सामने है वो। दिल से कहो तो कली काल में, कलयुग में इतनी बीमारियां हैं, इतना रोग है, इतना दुख है, प्रत्येक मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ सबको है। संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं जिसको तकलीफ नहीं, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं, और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है, केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। उसको स्पर्श कर कर भी आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। आप उससे कहो मिल जाए। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था शंकर जी के शिवलिंग से, गले लगकर रोया श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं। तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए? नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूँ और प्रकट शंकर जी हो गए। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूँ कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहाँ भेजा है, कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी बैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम के जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जा। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। बैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो। जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो। जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते हो। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सियोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है। और सियोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए ना आपके गांव का नाम जानता है ना शहर का नाम जानता है ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में सेठ वो बैठा हुआ। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति उधार पैसा देता है उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है, वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए, वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा, पर उसके साथ में छल मत करना नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह दोएगा। एक पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना परंतु दिखावे से नहीं।
ये शिव महापुराण की कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बाँचते हैं वैसी बाँचते हैं, हमको बाँचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी, वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं बाँच रहे हैं और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की, कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूँ और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूँ, दिल से कहता हूँ आनंद में रहना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो, एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है ये पता नहीं है, क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं, चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से बीमारी से दूर कर दे। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार, कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना उतने दिल से उसको कहो, बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना, ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो उसके लिए बना। कहीं जरूरत पड़े तो देव ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए, क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि धर्म को धर्म रहने देना, धर्म को धंधा मत बना देना, नहीं तो धन एकाग्रित करा, भंडारा 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 का नाम पे इकट्ठा कर लिया, बाद में अपना ही भंडा भर लिया। धर्म को धंधा मत होने देना, लगाओ भंडारे में, धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, सत्ता की जरूरत, लगाओ, पर वहीं तक सीमित रखो कि हमें जनमानस के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। आज की कथा पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम।